कैसा कुदरत का निजाम है, ऐसी खूबसूरत जगह। जिगजैग करते कराते अब हम यहाँ से वो नीचे जाएंगे। आजा। तो अभी हम जाएंगे रैम्बो ब्रिज के ऊपर और है खतरनाक काम, लेकिन अब है खतरों के खिलाड़ी नंबर एक का कबीला। अरे भाई, अरे भाई, पास्ता ऑर्डर किया था, लुक्स यम। और ओ, ये देखे यॉर्क बर्गर स्पेशल, लुक्स वेरी डिलीशियस। अभी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। चेक करें, ऐसा है कि कुदरत का निजाम जैसे कभी किसी ने। और ये ग्लेशियर्स का सारा पानी है, पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है तो ये सब नीचे आ रहा है। ओके। आप इंटरनेट पे देखते हैं कि पासू कोन्स के सामने एक स्ट्रेट रोड है, तो वो ये रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट कोन्स, पासू कोन्स। ये देखिए एक और झील, पोरथ लेक बोलते हैं इसको। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में ग्लेशियर्स वाटर, ये देखिए कैसा क्लियर पानी है, अंदर डीप तक आपको नजर आ रहा है, साफ सुथरा ग्लेशियर्स का वाटर देख रहे हैं आप। इसी रोड पे हम जाएंगे। लुक एट द स्टनिंग व्यू। इंग्लैंड में ऐसे व्यूज होते हैं? नहीं। Is it better than England or not? It's not better, it's different. It's different, it's not better? No. Look at the tall, tall mountain. ये देखिए जनाब, एक लम्हे के लिए बस आप नज़ारा करिए, कैसी खूबसूरत जगह है। इधर पहले देखिए, ये रोड जा रही है ऊपर झील तक, आपको लेके गए हैं पोरथ झील, बहुत अच्छी है, खूबसूरत। ये पहाड़ के ऊपर से जाके ऐसे घूम घूम के, वो देखिए रोड जा रही, फिर पहाड़ की दूसरी तरफ है अपोजिट, उधर से हम आए हैं इस रोड से, चलते 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 आप यहाँ पे, और यहाँ से आप इधर जरा देखें, लुक एट दिस स्टनिंग व्यू, कैसा कुदरत का निज़ाम है, ऐसी खूबसूरत जगह। वो नीचे देखें सारा पानी, दरिया बह रहा है, और ये बीच में आबादी, ग्रीन ग्रीन सी आबादी, और पीछे पहाड़ चेक करें, पहाड़ को चेक करें, कैसा मतलब कुदरत का निज़ाम है। वो ऊपर सारे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, वो देख रहे हैं आप, ये सारे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, और वो ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है यहाँ पे। इस झील में भी ग्लेशियर्स का पानी था, और ये नीचे भी सारा जो पानी है ये ग्लेशियर्स का पानी है। और अभी हम यहाँ से, ये ज़िगज़ैग किस्म का रोड बना हुआ, अच्छा रोड, अभी नया बन रहा है, ये देखें ज़िगज़ैग करते कराते अब हम यहाँ से वो नीचे जाएंगे, और उस रोड से फिर हम आगे जाएंगे सीधा, वो जो रोड गाड़ी आ रही जहाँ से, हम वहाँ से बिल्कुल अभी सीधा जाएंगे, और आगे जाके फिर पासू कोन्स। आपने देखा होगा, आप लिखे पासू कोन्स, इंस्टाग्राम की रील्स भरी पड़ी हैं। स्ट्रेट रोड आता है सीधा, और आगे पहाड़ों के बिल्कुल बीच में से गुजर के जाता है, बहुत ही शानदार नज़ारा है वो। मैं तो पहले कभी गया नहीं हूँ, लेकिन अभी हम जा रहे हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो चले फिर साथ साथ आगे। अभी पासो कोन्स आने वाली है, स्ट्रेट दिखाओ अगर नजर आए तो। वैसे तो ये भाई ने शीशा अपना तोड़ा हुआ गाड़ी का, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ। ये देखें कुदरत का निज़ाम, ऐसा लग रहा है कि खुद से तराशे हैं, ऐसी तरतीब से कोन्स बनी हुई है, पासो कोन्स। ये पासो कोन्स चेक करिए, और फिर ये रैम्बो ब्रिज। पानी की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, चेक करें नज़ारे, मुझे ठंड लग रही है, आई शुड कट माय जैकेट। तो अभी हम जाएंगे रैम्बो ब्रिज के ऊपर, और है खतरनाक काम, लेकिन अब है खतरों के खिलाड़ी। 100 रुपया चार्जेस हैं, तो हमने कहा दे देंगे भाई, 100 रुपया चार्जेस की खैर है। तो हैव अ लुक, पानी चेक करें यार आप, ये तो मुझे लग रहा है मेरा मोबाइल ही ना मेरे हाथ से गिर जाए, ये ब्रिज स्टेबल भी नहीं है। वो भाई जो है ये हमारी गाड़ी चला के आया है, ड्राइवर ये भी मज़े ले रहा जा रहा है। आशियान अली, मुश्किल है आसान है, मुश्किल है।
तो आगे हम ब्रिज से बड़ा एक एडवेंचरस किस्म की फीलिंग आती है, बैलेंस बड़ा रखना पड़ता है। हाँ। मेरे ख्याल में पता नहीं अगर बैलेंस पूरा ना हुआ तो कोई एक आधा बंदा शहीद भी शायद हुआ होगा कभी पास्ट में। ठीक है। एक क्या कहते हैं कि लिव बाय द मोमेंट्स टेक अवे योर ब्रेथ नॉट द, ऐसा कुछ है ना सही, मैं भूल गया हूँ। मगर बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। और आप इधर ये दिखाइए ये पासुकोन्स चेक करें, ऐसा है कि कुदरत का निज़ाम जैसे कभी किसी ने पेंसिल से बनाए हैं। ये ऊपर वाले का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेंसिल से ड्राइंग की हुई है। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। ये नेचुरल खूबसूरती है माशाल्लाह, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और आपके बंदे का ईमान ताज़ा हो जाता है भाई, आप इतना शानदार। पीछे भी आपको बादल नजर आ रहे हैं, पहाड़ बादल सारा उस तरफ, ये सारा एनवायरनमेंट चेक बहुत खूबसूरत। तो बड़ा एडवेंचरस था ये ब्रिज। और बाकी आपको मैं रोड पे जाके जरा दिखाता हूँ कि रोड पे भी दो चार फोटोएं लेंगे और बड़ी शानदार किस्म की। ये देखें, मैं आपको ये दिखा कि यहाँ पे खुजरा पास 124 किलोमीटर हो सुस्त 35, ये जगहों के नाम है, ग्लेशियर है ये कोई इतना दूर, पासुकोन्स ये यहीं पे जहाँ हम खड़े हुए हैं। 6000 मीटर की हाइट्स है ये पासुकोन्स जो है इनकी। और बाकी क्या क्या भाई, ये कोई वैली है शिमशाल वैली, और तबाद लेक तो इस तरफ, अभी हम उधर से आए हैं तो पासु 8 किलोमीटर पीछे है ये पासुकोन्स। देखिए आपको नजर आ रहा है 6 पहाड़, वो 6000 मीटर्स की बुलंदी की ये पासुकोन्स है ये, और कई 100 किलोमीटर तक ये रोड जा रहा है और रोड के दोनों तरफ इसी तरह के खूबसूरत पहाड़ है और पानी है, नदियां हैं। इस तरह जरा ग्रीनरी जरा कम है, वो भाई कह रहे हैं स्कर्दू वाली साइड पे ज्यादा ग्रीनरी है, लेकिन आप देखिए ये खूबसूरती है ना, इसका एक अपनी खूबसूरती है। इस तरह के पहाड़, ये कपोन बने हुए हैं बिल्कुल ऐसे, पासुकोन्स की तादाद में लोग देखने के लिए जाते हैं। पानी का आपको उस तरफ भी दिखाया, इस तरह पे ये देखें ये पानी, और ये ग्लेशियर्स का सारा पानी है, पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है तो ये सब नीचे आ रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बहुत ही बेहतरीन, आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाला जो ये जगह है, और कभी मौका मिले तो आप लोग भी यहाँ पे जरूर आइए। यॉर्क ग्रिल, ये रोड साइड पे इन्होंने बनाया हुआ है, काफी लोग स्पेशल यहाँ से दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। लास्ट नाइट हम भी आए थे 30 किलोमीटर ड्राइव करके, लेकिन चूंकि अभी हम ये पासुकोन से वापस आ रहे थे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, हमने कहा दोबारा एक दफा ट्राई किया जाए। पास्ता ऑर्डर किया था, लुक्स यम। और ये देखे यॉर्क बर्गर स्पेशल, लुक्स वेरी डिलीशियस, अभी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये भी बड़ा मजे का लग रहा है। हाँ भाई, बड़े मज़ेदार बर्गर खाए हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यॉर्क स्पेशल बर्गर। पास्ता भी मैंने आपको बताया बड़े मज़ेदार है। और ये मॉल भी चेक करें, अमेजिंग। स्पेशल आते हैं जी लोग यहाँ पे हुंजा एप्रिकॉट केक खाने के लिए, वो ऊपर पहाड़ के वो चोटी पे इन्होंने बनाया अपना हिसाब किताब। देखें लोग आ रहे हैं, फॉरनर भी आ रहे हैं, कुछ 200-250 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंचे और केक खाने के लिए एप्रिकॉट केक। अभी आएगा, ऑर्डर किया, देखते हैं कैसा है, काम तमाम हो गया, लेकिन ये नज़ारा वाकई बड़ा शानदार है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए व्यू, हिल टॉप पे बनाया इन्होंने ये बेकरी। और अभी हम वो कहाँ थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे अभी हमने वो यॉर्क ग्रिल ये है, उधर से ये है, ये इधर से हम आए हैं अभी। और ये सीढ़ियाँ देखें आप, ये जो चलनी सीढ़ियाँ यहाँ से जाते 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 वहाँ तक, आते आते तो काम हो गया, अब जाते जाते देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए पानी बह रहा है, ये भी नज़ारे ले लें, वाह। ये एप्रिकॉट केक है जिसका अभी ऑर्डर किया था हमने, आ गया है। हाँ जी, तो मैं जो आपसे बात कर रहा था नज़ारों की, तो ये देखिए बैकग्राउंड में पानी चल रहा है ग्लेशियर्स का, और खुद से देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं लाइक यू कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, सो यू हैव टू फील देम, सी देम ऑन योर ओन, तो अल्फाज कम पिक्चर ज्यादा। देखिए क्या कुदरत का निज़ाम, ब्यूटी एट इट्स वेरी बेस्ट।
की आवाज कहीं से आ रही है यार? ओ यहाँ से आ रही है। देखें काफी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, और 2 महीने पहले ये होटल बना यहाँ पे रमाडा, और शानदार है, अच्छा है, बाहर से भी दिखाऊंगा, फर्स्ट इम्प्रेशन भी काफी अच्छा है। रिसेप्शन वाला भाई बस टाइम काफी लगा रहा है, बाकी बेहतरीन है। तो आप इंटरनेट पे देखते हैं कि पासू कॉन्स के सामने एक स्ट्रेट रोड है, तो वो ये रोड है, इधर से भी देखिए और इधर ये भी देखिए, ये सीधी सीधी रोड है, मेरे ख्याल में कोई 1.5-2 किलोमीटर की है, ये बिल्कुल सीधी सीधी। तो यहाँ पे हमने भी फोटो खिंचवाई हैं, लोग भी आके फोटोज खिंचवाते हैं। तो बिल्कुल सामने आप स्ट्रेट देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट कॉन्स, पासो कॉन्स, बेहतरीन शानदार खूबसूरत नज़ारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा, ये जो नज़ारे आपको हम अपने लेंस के थ्रू दिखा रहे हैं, और कमेंट सेक्शंस करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छी अच्छी जगहों पे जाएंगे तो आपको साथ ही लेके जाएंगे, ठीक है जी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।